नमस्कार। बीजेपी में अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर बीजेपी आला कमान किसी नेता की तारीफ कर दे तो मुख्यमंत्रियों की नींद हराम हो जा रही है। हो भी क्यों ना, नॉन परफॉर्मर को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने जिस तरह से राज्यों में ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं उसे बाकी मुख्यमंत्रियों की सांसें तो अटकनी तय है। पहले उत्तराखंड, फिर कर्नाटक और उसके बाद गुजरात में सीएम बदलकर बीजेपी ने अपने तमाम नेताओं को चेतावनी दे दी है, अगर काम नहीं किया तो फिर किसी काम के नहीं। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश के मामा यानी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय काफी टेंशन में चल रहे हैं। हुआ कुछ यूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गोंडवाना साम्राज्य के अमर शहीद शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के दौरान शाह ने पूर्व बीजेपी चीफ और सांसद राकेश सिंह की तारीफ कर दी। अब अमित शाह तारीफ कर रहे थे तब उनके साथ शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह के मुंह से तारीफ सुनी फिर तो उनके होश उड़ गए। फिर क्या था, अमित शाह के दौरे से जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आ गए और लगे मीटिंग पर मीटिंग करने, या फिर यूं कहें कि शिवराज सिंह चौहान अपनी छवि चमकाने के लिए दिन रात एक कर दिए। अब बताया ये जा रहा है कि अमित शाह के दौरे के बाद से शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नेंस को फोकस में रखते हुए कई बैठकें कर चुके हैं वो। और इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान लगातार कार्यकर्ताओं को ये याद दिलाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ऐसा काम करो कि हर कोई कहे कि मध्य प्रदेश में गुड गवर्नेंस का मॉडल चलता है। वैसे आपको यह बताते चलें, गृह मंत्री अमित शाह ने राकेश सिंह की तारीफ में बस इतना ही कहा था, जिनके निमंत्रण पर आज मैं यहां आया हूं और जो सतत सातत्यपूर्ण तरीके से लीड को बढ़ाते हुए यही लोकसभा क्षेत्र से संसद में जाते हैं, ऐसे हमारे भाई राकेश सिंह जी। तो अमित शाह ने राकेश सिंह की तारीफ में एक बार नहीं बल्कि दो बार की थी और वो भी दो अलग अलग कार्यक्रमों में। इसी तारीफ से एक बात तो देखे साफ थी कि अमित शाह जबलपुर में सांसद राकेश सिंह के न्योते पर पहुंचे थे। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।